हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टी वाई बी कॉम सेमेस्टर फाइव टाइम टेबल तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो टी वाई बी कॉम का एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस इज द टाइम टेबल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स बी कॉम और चॉइस बेस्ड जो है सेमिस्टर uh, फाइव तो इस पर काफ़ी सारे पेपर्स हैं तो ओवरऑल एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आप भी अपने पेपर्स जो है वो इसमें से आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको कौन से कौन से पेपर्स होंगे तो पहले सेवनटीन ऑफ अक्टूबर डेट आया था लेकिन अभी जो रिसेंटली टाइम टेबल आया है दैट इज ऑफ ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर तो टाइम है आपका टेन थर्टी ए एम टू वन थर्टी पी एम का एंड फर्स्ट पेपर जो आपका होगा दैट विल बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फर्स्ट पेपर जो है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर यूजुअली काफ़ी सारे बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही देते हैं लेकिन uh, किसी ने अगर अकाउंट्स uh, ग्रुप नहीं लिया होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए होंगे तो फिर ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट कॉमर्स बैंकिंग क्वान्टिटेटिव इकोनॉमिक्स तो ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर को जो फर्स्ट एग्जाम होगा दैट विल बी योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है काफी सिंपल है डोंट गेट कन्फ्यूज विद द पॉइंट्स तो पहला पेपर आपका होगा ट्वेंटी सिक्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसके बाद सेकेंड पेपर जो होगा दैट विल बी ऑन फ्राइडे ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर दैट विल बी अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग तो सेकेंड जो एग्जाम होगा आपका होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड पेपर होगा आपका ट्वेंटी सेवंथ अक्टोबर कॉस्ट अकाउंटिंग ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर के बाद आपका सीधा एग्जाम होगा तीस तारीख को मंडे तब आपका एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का अब आप यहाँ पे अगर चेक करें तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे दो दिन आपको छुट्टी मिलेगी तो दो दिन जो छुट्टी है उसमें आप इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं कॉमर्स मतलब मार्केटिंग की प्रिपरेशंस ये दो दिनों में आप कर पाएंगे एंड मंडे यू विल हैव द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ट्यूसडे थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर तब आपका पेपर होगा कॉमर्स फाइ का कॉमर्स फाइ मतलब मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है जो आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को एग्जाम जो है वो होने वाला है उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा दैट विल बी ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर तो फर्स्ट ऑफ नवंबर को वेनसडे है तब आपका एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पेपर वन तो जिनका भी जिनका भी एग्जाम फर्स्ट नवंबर को है वो पेपर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर जो है ये हर बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ अप्लाइड कंपोनेंट एंड सिंस इट इज़ अप्लाइड कंपोनेंट एवरी वन इज़ नॉट अपियरिंग दिस तो कोई बच्चा डायरेक्ट टैक्स लेता है कोई बच्चा एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेता है कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट लेता है अलग, अलग 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 पेपर्स जो है वो बच्चे लेते हैं लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया कॉमर्स तक वो नॉर्मली हर बच्चे के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ नवंबर को टैक्स का पेपर होगा फर्स्ट ऑफ नवंबर के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो काफी बड़ा गैप है इधर फर्स्ट ऑफ नवंबर के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके बाद किसी ने अगर टैक्सेशन नहीं लिया है तो उसका पेपर डायरेक्टली कब होने वाला है ट्वेंटी नवंबर को होने वाला है ट्वेंटी नवंबर को यू यू विल हैव द पेपर ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग कुछ बच्चे टैक्स नहीं लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेते हैं किसी किसी कॉलेजेस में एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है तो बीस नवंबर को एक्सपोर्ट मार्केटिंग यहाँ पे दिख रहा है उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा वो कब होने वाला है देखते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर मतलब बीच में दिवाली वेकेशन है दिवाली वेकेशन के बाद आपका सीधा एक एग्जाम ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर को जा रहा है तो टैक्सेशन के बाद ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर को आपका पेपर होगा कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस का उसके बाद अगर बाकी को कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके इसमें से है जैसे कि लेबर वेलफेयर साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केटिंग रीजनल प्लानिंग बैंकिंग एंटरप्रिनरशिप तो ये आपके एग्जाम्स जो है रेस्पेक्टिव डेट्स को आपको इधर दिए हुए हैं कोई कोई अभी एंटरप्रिनरशिप एंड ई एम जो पेपर है उनका वो लेते हैं सब्जेक्ट को तो थर्सडे को ट्वेंटी ऑफ नवम्बर को वो आपका एग्ज़ाम होगा सम पीपल टेक परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग या मार्केटिंग रिसर्च तो मार्केटिंग रिसर्च का जो पेपर है वो आपका यहाँ पे 28 नवंबर को दिख रहा है एंड ट्वेंटी नवंबर को आपका लास्ट पेपर है परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग का जो भी परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग ये सब्जेक्ट्स लेंगे तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन बिकॉज इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स थे तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज विद दिस तो आपको अभी इस चैनल पे एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे आ, कुछ चैप्टर्स के रिलेटेड रिवीजन वीडियोस भी मिलते रहेंगे अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर ले लास्ट ईयर के पेपर्स कुछ फ्री मटीरियल सब कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है तो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ विथ थियरी क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि अगला जो है आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली बेस पे आ जाए थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर